नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम यू ऑल वंस अगेन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा फिनॉल्स चल रहा है, उसमें आज हम हमारा लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिएक्शंस ऑफ फिनॉल पढ़े थे जो ड्यू टू OH ग्रुप, यानी कि उसके OH ग्रुप की वजह से फिनॉल क्या क्या रिएक्शंस देता है वो पढ़ रहे थे। हाँ, तो हमारा क्या टॉपिक चल रहा था कि हाइड्रोक्सिल समूह के कारण फिनॉल की अभिक्रियाएं, जिसमें हम कई अभिक्रियाएं देख चुके थे, जैसे एसिडीकरण, ईथरीकरण, ये सब कुछ हम देख चुके थे। कुछ और रिएक्शंस हैं जो कि फिनॉल के OH ग्रुप की वजह से होती हैं, उन्हें हम देखते हैं आज। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है जिंक के साथ अभिक्रिया। जिंक के साथ अभिक्रिया, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है, होता है कि जब फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ आश्रित किया जाता है, जिंक चूर्ण के साथ आश्रित किया जाता है तो हमको बेंजीन प्राप्त होती है, तो बेंजीन प्राप्त होती है। ठीक है, हमको क्या मिलेगी, बेंजीन मिलेगी। देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है। ये है हमारे पास फिनॉल। ठीक है, जब हम इसको गर्म करते हैं जिंक चून के साथ, जब हम इसका क्या करते हैं, आश्रण करते हैं, तो होता क्या है, हमारे पास क्या है, ये जिंक है। जिंक हम जानते हैं, जिंक क्या है, मेटल है। अभी इससे पहले भी हम मेटल के साथ रिएक्शन देख चुके हैं, सोडियम मेटल के साथ। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, तो जिंक भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। तो जिंक कितने इलेक्ट्रॉन देगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और खुद किसमें चेंज हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव में, है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन का यूज कहां पर होना है, तो होगा क्या कि जिंक होगा इस बॉन्ड को यहां से क्लीव करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा और यहां से क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड। यानी कि ये वाला जो ऑक्सीजन है, जिंक है प्लस टू में, तो इसके साथ जो ऑक्सीजन होगा, जिंक प्लस टू में है तो जो ऑक्सीजन भी होगा वो कैसा होना चाहिए, O2 माइनस होना चाहिए, तभी तो ये निर्माण करेगा जिंक ऑक्साइड का, है ना। तो O2 माइनस कैसे होगा, ये जो ऑक्सीजन है क्या करेगा, अपने बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन यहां से भी खींचेगा, यहां से भी खींचेगा और O2 माइनस की फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और क्या बना लेगा, ये बना लेगा जिंक ऑक्साइड। ठीक है, बचा हुआ क्या है हमारे पास, बेंजीन रिंग। बची हुई क्या है, बेंजीन रिंग। लेकिन यहां से ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया तो बेंजीन रिंग पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज को कौन फिल करेगा, इलेक्ट्रॉन। जहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा, और ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, ये दोनों आपस में जुड़कर बना लेंगे बेंजीन। क्या बना लेंगे, बेंजीन बना लेंगे। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है ये भी शो करती है कि बेंजीन क्या, ये जो फिनॉल है, फिनॉल में क्या निकलता है, H पॉजिटिव बाहर निकलता है, एसिडिक नेचर को शो करती है ना। तो इस तरह से बेंजीन हमको प्राप्त होती है जब हम फिनॉल को जिंक के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। नोट कीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, जो अगली रिएक्शन है वो है NH3 के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन कराएंगे हम NH3 के साथ, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अमोनिया हम जानते हैं NH3 क्या है, एक बेस है, एक क्षार होता है। ठीक है, NH3 क्या है, एक बेस होता है, हम जानते हैं। क्षार क्या करेगा, यहां से OH ग्रुप है, यहां से हमारे पास क्या है NH3, मैं इसको ऐसे लिख दूं H2। ठीक है, जब हम इसको, इसकी रिएक्शन जो है वो निर्जलीकरण या एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में होती है, एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक डाइक्लोराइड, एनहाइड्रस मतलब निर्जलीकृत, निर्जलीकृत जिंक क्लोराइड लिया जाता है, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और ये जो रिएक्शन है बहुत हाई टेम्परेचर पर होती है, लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और दाब भी हमको उच्च लेना पड़ता है, तो उच्च दाब और उच्च ताप पर ये रिएक्शन होती है। कैसे होती है, उच्च दाब और उच्च ताप पर रिएक्शन होती है। तो हम कह सकते हैं कि जब फिनॉल को अमोनिया के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होती है, एनिलीन प्राप्त होती है।
क्या प्राप्त होती है हमें? एनिलीन। हम जानते हैं ये OH ग्रुप फिनॉल कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, तो क्या देगा यहाँ से H प्लस देगा। ये क्या है? बेस। ये एसिड, एसिड बिहेवियर शो कर रहा है, तो ये एसिड, ये बेस, और एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? पानी, है ना। तो ये भी क्या करेगा? पानी बनाएगा। तो यहाँ से OH और यहाँ से H मिलकर क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। ठीक है, ये क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। और यहाँ पर रिंग पर कौन आकर जुड़ जाएगा? अमीन जुड़ जाएगा आकर। ठीक है, रिंग पर कौन जुड़ा आकर? रिंग पर जुड़ा अमीन, और बाहर क्या निकला? H2O, है ना। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। ये क्या बन गया? एरोमेटिक अमीन है। अमीन ग्रुप है ना, NH2 ग्रुप अमीन है, एरोमेटिक अमीन है। इसी को हम किस कौन नाम से जानते हैं? इसी को बोलते हैं क्या? एनिलीन। तो क्या फॉर्मेशन होती है हमारे पास? एनिलीन की फॉर्मेशन होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि फिनॉल को किसके साथ? NH3 के साथ, NH3 के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा उच्च दाब पर अभिक्रिया द्वारा क्या बनता है? एनिलीन प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है हमको? एनिलीन प्राप्त होता है। तो जल्दी से इनके नोट कीजिए, आगे चलते हैं, फिर और रिएक्शंस देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, वो एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन सी है? क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्लेजन पुनर्विन्यास। यह है क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्योंकि एक टाइप का रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। कैसा है? यहाँ पर लिखा हुआ है रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट तो होना ही है ना, क्लेजन रीअरेंजमेंट। और ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर आप कभी हायर, और इससे जैसे कि आप अभी हायर लेवल में हो, लेकिन इससे भी हायर पढ़ोगे यानी MSc में जाओगे, तो एक पूरा का पूरा एक चैप्टर होता है पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस का। इसका पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस का ये जो रिएक्शन है क्लेजन रीअरेंजमेंट, ये उसी का पार्ट है। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस कई तरह के होते हैं। एक होता है सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, सिग्मा ट्रॉपिक पुनर्विन्यास। तो ये जो क्लेजन रीअरेंजमेंट है, ये एक्चुअल में क्या है? ये एक सिग्मा ट्रॉपिक पुनर्विन्यास है। वहां पर आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे, क्योंकि अभी मैं केवल एक टॉपिक के लिए पूरी पेरिसाइक्लिक तो नहीं खोल सकती, है ना। तो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसका एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन ये रीअरेंजमेंट आसान है। आपको उसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं से भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ होता क्या है कि यहाँ पर जो देखते हैं कि ये जो रीअरेंजमेंट है, किस चीज का रीअरेंजमेंट होता है? तो ये रीअरेंजमेंट होता है एलाइल फिनाइल ईथर में। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं कि जब एलाइल फिनाइल ईथर को, ठीक है, जब एलाइल फिनाइल ईथर को क्या करते हैं? इस ये जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होते हैं, इनके लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत है। ठीक है, तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जब एलाइल फिनाइल ईथर को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो एलाइल समूह, कौन? एलाइल समूह। ये जो एलाइल ग्रुप होता है, एलाइल समूह क्या कर जाता है? बेंजीन रिंग पर माइग्रेट कर जाता है। वो भी कौन सी? बेंजीन पर दो तीन पोजीशन होती है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो ये कहां पर जाता है? ये ऑर्थो स्थितियों पर जाता है। तो एलाइल समूह बेंजीन वलय की ऑर्थो स्थितियों पर, बेंजीन वलय की 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। तो एलाइल समूह बेंजीन वलय की ऑर्थो स्थितियों पर विस्थापित हो जाता है,
ठीक है, होगा क्या, एलाइल फिनाइल ईथर को गर्म करना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जितनी भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती हैं, या तो हाई टेम्परेचर, या तो इनको टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, या तो फिर प्रकाश की जरूरत पड़ती है, एच न्यू की। दो ही कंडीशन होती है, या तो थर्मली होंगी या फोटोकेमिकली होंगी। तो ये जो रीअरेंजमेंट है, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ये थर्मली अलाउड होते हैं और इनके लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है, क्योंकि एक साइड का बॉन्ड टूटना, एक साइड का बॉन्ड फॉर्मेशन होना है, तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी। बॉन्ड टूटेगा तभी तो दूसरी साइड जाकर जुड़ेगा, तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये जो रिएक्शंस हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ये बहुत हाई टेम्परेचर पर होती हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर मान लो हमारे पास फिनॉल है, पहले तो हमें ईथर बनाना पड़ेगा ना, एलाइल फिनाइल ईथर बनाना पड़ेगा। तो ईथर बनाने की विधि हम देख चुके हैं ईथरीकरण में, है ना। तो ये है हमारे पास, ठीक है, ईथरीकरण हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, आप जाकर वहां देखें। नहीं पढ़ा हो तो अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो जल्दी से जाइए, पिछली वीडियो को देखिए उस पर, ठीक है। तो ईथरीकरण में क्या है हमारे पास, ये है फिनॉल, पहले हमें बनाना भी तो पड़ेगा, क्या बनाना है, एलाइल फिनाइल ईथर। और कल अगर आपको याद हो ईथरीकरण की रिएक्शन, यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक बेस लेंगे, NaOH या KOH भी ले सकते हैं, ठीक है। बेस का काम क्या है, ये Na प्लस होगा, ये OH माइनस होगा। OH माइनस क्या करता है भाई, यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, क्योंकि ये एसिडिक है, ये H प्लस त्यागेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर, ऑक्सीजन पर, ठीक है भाई, शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पर। ये बन गया हमारे पास फिनोक्साइड आयन। क्या प्राप्त हो गया हमको, ये प्राप्त हुआ हमें फिनोक्साइड आयन प्राप्त हुआ, ये है हमारा फिनोक्साइड आयन, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन होगी एलाइल हैलाइड से, क्या, किससे, एलाइल हैलाइड से। ये रिएक्शन मुझे एक्चुअली कल पढ़ानी थी, लेकिन मैंने कल नहीं पढ़ाई, क्योंकि मुझे पता था क्लीविंग रीअरेंजमेंट पढ़ाना है, तो वहीं पढ़ाऊंगी, इसलिए उसमें ईथरीकरण में नहीं पढ़े मैंने ये। तो अब यहाँ पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन कराएंगे हम किससे, एलाइल हैलाइड से। एलाइल हैलाइड, एलाइल ग्रुप क्या होता है, एलाइल ग्रुप ये होता है, यहाँ हाइड्रोजन लगाओ या फिर ऐसे दिखाऊं, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, यहाँ पर जुड़ा होगा CH2 और इससे कोई हैलोजन जुड़ा हुआ होगा। इस ग्रुप, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ होगा, कोई हैलोजन, कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने लिया Cl, क्लोराइड लिया, तो ये क्या है हमारे पास, ये है एलाइल क्लोराइड है, एलाइल क्लोराइड, ठीक है। हमारे पास यहाँ क्या है, हमारे पास है यहाँ पर फिनोक्साइड आयन, कौन है फिनोक्साइड आयन, ये है एलाइल क्लोराइड। और कल हमने ईथरीकरण में पढ़ा था कि ये जो ईथरीकरण रिएक्शन होते हैं, ये किससे होते हैं, ऑर्थो एल्काइलेशन से होते हैं, किससे, ऑर्थो एल्काइलेशन, यानी कि ऑर्थो एल्काइलेशन बोल रहे, ऑक्सीजन पर एल्काइलेशन होता है, कहां पर होता है, ऑक्सीजन पर एल्काइलेशन, यानी कि ये O- माइनस बना है, यहीं पर कार्बन जुड़ेगा, यहीं पर आकर जुड़ेगा, तो क्या होगा, ये कार्बन पर अटैक करेगा, ये O- किस पर अटैक करेगा, कार्बन पर, ये डबल बॉन्ड यहाँ से घूम के जाएगा इधर, और यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा, Cl- बाहर निकल जाएगा, यहाँ से बाहर कौन गया, Cl- बाहर गया, क्या बना हमारे पास, हमारे पास बना ये ऑक्सीजन, और इससे जुड़ा हुआ है ये, यही है हमारा, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एलाइल, ये जो ग्रुप है ये क्या है, एलाइल, ये ग्रुप क्या है, फिनाइल, एलाइल फिनाइल, और ये ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं दो आर ग्रुप, इसीलिए ये क्या है, ईथर। तो हमारे पास क्या बन गया, एलाइल फिनाइल ईथर। तो हमारे पास इस तरीके से क्या बनता है, सबसे पहले एलाइल फिनाइल ईथर बनता है। अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट कराना है हमें, अब क्या कराना है, यहाँ पर क्लेजन रीअरेंजमेंट कराना है। ईथर आगे हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये सबस्ट्रेट है, क्रियाधार है, इसी से रिएक्शन आगे होनी है। क्या करना है, इसको गर्म करना है, मैंने बोला ना सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हाई टेम्परेचर पर गर्म करना है। तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा, यहां पर बन जाएगा OH, और ये जो ग्रुप है ये यहां पर आ जाएगा, ये आ गया एलाइल ग्रुप। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ऑर्थो एलाइल फिनॉल, क्या बन गया, ये फिनॉल बन गया, कैसा, ऑर्थो एलाइल फिनॉल, ऑर्थो पोजीशन पर एलाइल ग्रुप आ गया, तो ऑर्थो एलाइल, और ये क्या है, फिनॉल है, इसलिए इसका नाम क्या है, ऑर्थो एलाइल फिनॉल, ठीक है। तो इससे प्रोडक्ट क्या बनता है, जब हम एलाइल फिनाइल ईथर को गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट से क्या बनता है, ऑर्थो एलाइल फिनॉल बनता है। अब ये रीअरेंजमेंट कैसे होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो हमें ये रिएक्शन देखना है कि यहाँ से यहाँ तक प्रोडक्ट कैसे बना, ये कैसे हुआ, बस ये कंफ्यूज मत होइएगा। हमने लिया क्या था, एलाइल फिनाइल ईथर, हमने ईथर लिया था,
और बना क्या है, फिनॉल बना है, वो भी कैसा, ऑर्थो एलाइल फिनॉल, यानी कि हमें एक व्युत्पन्न प्राप्त हुआ है फिनॉल का, जिसमें ऑर्थो पोजीशन पर एलाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब हमें देखना है कि ये रीअरेंजमेंट कैसे होता है, जिसका मैकेनिज्म देखना है, ठीक है। तो ये है हमारे पास, इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है। क्या है हमारे पास, यही है हमारे पास एलाइल फिनाइल ईथर, ईथर है अभी हमारे पास, वो भी कौन सा, एलाइल फिनाइल। तो होगा क्या, यहाँ पर होगा क्या कि जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं इसको बॉन्ड को ऐसे बना देती हूँ, आपको समझने में ज्यादा आसान होगा। वैसे तो किसी भी स्थिति में बना सकते हैं, बॉन्ड तो घूमते रहते हैं, रेजोनेट होते रहते हैं बेंजीन रिंग में। तो होगा क्या, जैसे ही मैं इसे गर्म करूंगी 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यहाँ पर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगा। और जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होता है, उनकी एक खास बात होती है कि इनमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। इंटरमीडिएट जैसे कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, कार्बीन, नाइट्रीन, इस तरह का कोई भी स्पीशीज इसमें नहीं बनती, कुछ नहीं बनता, केवल एक क्या बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो होगा क्या, ये वाला जो बॉन्ड है, ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, यहाँ पर कार्बन होगा ना, यहाँ पर कार्बन होगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे ही कार्बन पर अटैक करेगा, या फिर मैं आपके उसमें लिखूं, यहाँ पर होगा CH2, ठीक है, यहाँ पर होगा CH, यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर है CH2, ठीक है। तो ये अटैक कहाँ करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे ही कार्बन पर अटैक किया, कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड तो होते नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, इन दोनों कार्बन के 5 बॉन्ड तो होते नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा और कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, संक्रमण अवस्था बनेगी, कि यहां से एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा। दिखा देते हैं कैसी संक्रमण अवस्था बनेगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यहां से क्या संक्रमण अवस्था बनेगी, ये बॉन्ड तो कोई छेड़ा नहीं है इनसे, ठीक है, यहां तो कुछ नहीं, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड टूटना शुरू होगा, है ना, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटना शुरू होगा, यहाँ पर होगा CH2, ठीक है, यहाँ पर एक जुड़ा हुआ है CH से, यहाँ पर एक जुड़ा हुआ है CH2, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, बनना शुरू होगा, ये वाला बॉन्ड टूटना शुरू होगा, और यहाँ पर एक बॉन्ड बनना शुरू होगा। तो इस तरह से एक 6 सदस्य वाली ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, क्या बन गई, ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई, ट्रांजिशन स्टेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं संक्रमण अवस्था बनती है। तो जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होते हैं, सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होते हैं, ये किससे जाते हैं, ट्रांजिशन स्टेट से जाते हैं, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं 3-3 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, क्या है ये, 3-3 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। इसको 3-3 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट क्यों बोल रहे हैं भाई, देखो देखो यहाँ पर ये 1, 2, 3 कार्बन से, हमेशा नंबरिंग कहाँ से करते हैं, एलाइल कार्बन से, ये तो डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा होता है उससे करते हैं, यानी इस कार्बन से, एलाइल कार्बन, तो 1, 2, 3 यहाँ पर 3 है, इस ऑक्सीजन से करो, ये एलाइल कार्बन डबल बॉन्ड ये रहा ना, तो इससे अगला एटम कौन है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ से करेंगे 1, 2, 3। तो जो बॉन्ड बन रहा है, जो शिफ्टिंग हो रही है, जो कहाँ पर हो रही है, 3 पोजिशन पर हो रही है, और कौन आ रहा है, इस कार्बन का तीसरा ग्रुप, ये एलाइल का तीसरा कार्बन यहाँ आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 3-3 सिग्माट्रॉपिक पुनर्विन्यास। कभी एमएससी में जाओगे तो आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। 3-3 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके तीसरे कार्बन पर, यानी तीसरी पोजीशन पर, इसकी तीसरी पोजीशन आकर जुड़नी है, तो इसको बोलते हैं पुनर्विन्यास, तीसरी पोजीशन पर पुनर्विन्यास होना है, इसको बोलते हैं सिग्माट्रॉपिक पुनर्विन्यास। तो ऐसी संक्रमण अवस्था बनेगी, फिर क्या बनता है यहाँ पर, ये बनेगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा, इस ऑक्सीजन पर आया, तो यहाँ तो बन जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है भाई, बन गया डबल बॉन्ड O, यहाँ से नया बॉन्ड बन रहा है, और पाई बॉन्ड टूटा है, तो पाई बॉन्ड तो चला गया, यहाँ से एक नया बॉन्ड बन गया भाई, ठीक है। फिर यहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ये था CH2, यहाँ पर क्या है CH, है ना, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये हो जाएगा CH2, कुछ इस तरीके का बनेगा, ये डबल बॉन्ड से कोई छेड़ा नहीं है। अब यहाँ से एक डबल बॉन्ड टूटा है, यहाँ से क्या टूटा है, डबल बॉन्ड टूटा है, तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा भाई, यहाँ पर क्या टूटा है, एक डबल बॉन्ड टूटा है ना, एक नया बॉन्ड बना है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी तो रहेगा,
यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन पहले से ही था भाई, हमने कोई नया हाइड्रोजन नहीं लगाया, यहाँ होता ही है हाइड्रोजन, सिर्फ बॉन्ड ही तो टूटा है और एक नया बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड टूटा है और एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ठीक है, सिग्मा ट्रॉपिक में अक्सर क्या होता है, एक पाई बॉन्ड टूटता है और उसकी जगह क्या फॉर्म हुआ है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, यानी कह लो सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं भाई आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, अब ये एरोमेटिक तो नहीं है, ये एरोमेटिक है क्या, नहीं है, पहले तो एरोमेटिक था लेकिन इस रीअरेंजमेंट के चक्कर में बेचारे की एरोमेटिसिटी चली गई, और एरोमेटिसिटी चली गई तो इसको बहुत दुख होगा, क्योंकि एरोमेटिक यौगिक बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं, और अगर इसकी एरोमेटिसिटी चली गई तो ये बहुत ज़्यादा अस्थायी हो जाएगा, तो इसको दुख होगा, ये वापस क्या चाहेगा, एरोमेटिक होना चाहेगा। तो हम कह सकते हैं ये कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, ये इंटरमीडिएट बनता है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, वापस रिंग एरोमेटिक होगी, क्या होगी, वापस रिंग एरोमेटिक होगी, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अपने बॉन्ड यहाँ दे देगा, ये जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या दे देगा, यहाँ पर दे देगा, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पर चला जाएगा, यहाँ से कौन निकलेगा, इसने तो अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए यहाँ पर इस रिंग में दे दिए, तो ये एच प्लस बनाएगा, क्या बनाएगा, एच प्लस बनाएगा, और ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर गया तो ऑक्सीजन पर क्या बनेगा, माइनस, तो माइनस और एच प्लस के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये यहाँ पर आ गया ओ एच और ये बन गया सी एच टू, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, चाहे ऊपर लिख लो चाहे नीचे लिख लो, बात एक ही है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, यही तो है, क्या है, ऑर्थो एलाइल फिनॉल, क्या बन गया हमारे पास, ऑर्थो एलाइल फिनॉल। तो इस तरीके से होता है ये रीअरेंजमेंट, इसी को बोलते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए क्या हुआ, यहाँ पर 1 2 3 नंबर डाले, 1 2 3, तो जैसे इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा इस कार्बन पर, ये कार्बन का डबल बॉन्ड टूट कर जाएगा यहाँ, और यहाँ कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये वाला बॉन्ड टूट कर कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पर, इस तरह की संक्रमण अवस्था बनती है ना। तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन ने बनाया डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या आया, ये एलाइल ग्रुप जुड़ गया ऑर्थो स्थिति पर, फिर क्या हुआ, रिंग एरोमेटिक नहीं थी, है ना, पहले एरोमेटिक थी लेकिन अब एरोमेटिक नहीं है, तो ये वापस एरोमेटिक होना चाहेगा, तो ये H प्लस अपने इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ दे देगा और H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा, यहाँ O माइनस बनेगा, O माइनस क्या करेगा, H प्लस को ले लेगा, और ये अब कौन सी फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है, कौन सी फॉर्म बन गई, ये इनोल फॉर्म है, यहाँ पर OH ग्रुप है ना, तो ये क्या है, इनोल फॉर्म। तो इस तरह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और इसी को बोलते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं इसमें, अभी और भी कुछ है इसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, क्लेजन रीअरेंजमेंट की एक खास बात है, क्लेजन रीअरेंजमेंट की एक खास बात है कि ये जो रीअरेंजमेंट होता है केवल ऑर्थो स्थितियों पर होता है, कहाँ पर होता है, ऑर्थो स्थितियों पर होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यह रीअरेंजमेंट, हिंदी में बोलते हैं पुनर्विन्यास, तो मैं लिखूंगी री अरेंजमेंट यानी कि पुनर्विन्यास, तो यह पुनर्विन्यास बेंजीन रिंग की, बेंजीन वलय की कहाँ पर होता है, ऑर्थो स्थितियों पर होता है। ठीक है, हमेशा कहाँ होगा, ऑर्थो स्थितियों पर होगा, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है, ऑर्थो स्थिति अवेलेबल ही नहीं है, वहां पर पहले से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अगर एक स्थिति ऑर्थो, तो दो स्थिति होती है ना, अभी हम देखेंगे, दो स्थितियां होती है ऑर्थो, एक भरी हुई है तो चलो दूसरी पे हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों भरी हुई है तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर कहां पर होगा, पैरा पोजिशन पर होगा, है ना। तो यहां पर देखेंगे ऑर्थो स्थितियों पर होता है, यदि यदि ऑर्थो स्थिति पर पहले से, ऑर्थो स्थिति पर पहले से ही कोई समूह जुड़ा हुआ है तो यह रीअरेंजमेंट, तो यह पुनर्विन्यास पैरा स्थितियों पर होता है, पैरा स्थितियों पर होता है, यानी कि नॉर्मली तो ऑर्थो पोजीशन पर ही होगा, लेकिन अगर ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है, प्री ऑक्यूपाइड है, पहले से ही कोई ग्रुप वहां पर बैठा हुआ है, तो फिर ये रीअरेंजमेंट कहाँ होगा, पैरा पोजीशन पर होगा। फॉर एग्जांपल
अगर आपको एग्जांपल से समझना है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये बना हुआ है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है, एलाइल फिनाइल ईथर है ना। यहाँ पर एक ग्रुप लगा हुआ है सी एच थ्री, यानी कि ये जो ऑर्थो पोजीशन है, दो ऑर्थो स्थितियां होती है कि ये और ये, दोनों ऑर्थो है, ये वाली होती है मेटा और ये होती है एक पैरा, तो ये पैरा स्थिति है। तो क्या होगा कि ये पैरा स्थितियों पर तो कभी नहीं होता, हमेशा कहाँ होता है, ऑर्थो पर होता है, लेकिन ये वाली ऑर्थो की स्थिति तो पहले से ही ऑक्यूपाइड है ना, ऑर्थो स्थिति पहले से ही ऑक्यूपाइड है। आप बोलो कि यहाँ पहले अगर हाइड्रोजन होता तो ये था कि अगले स्टेप में एच प्लस निकल जाता और ओ एच बन जाता है ना, अब यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पर तो कौन है भाई, सी एच थ्री है, और सी एच थ्री तो टूटेगा नहीं ना, सी एच थ्री का बॉन्ड तो स्ट्रांग होता है, ये तो टूटेगा नहीं, ये एच प्लस थोड़ी ना देगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ऑर्थो पोजीशन यहाँ पर तो खाली नहीं है, यहाँ पर तो भरी हुई है, तो यहाँ तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन ये वाली ऑर्थो स्थिति, दो दो ऑर्थो स्थितियां होती है ना, तो ये वाली तो खाली है, तो इसका मतलब जब हम इसको हीट करेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहाँ पर क्या होगा, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा, तो क्या होगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें, प्रोडक्ट मिलेगा ये OH और यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH3, ठीक है, इस तरीके का प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना। ये वाली तो घिरी हुई थी ऑर्थो पोजीशन, ये वाली तो खाली थी, तो यहाँ पर हो गया रीअरेंजमेंट, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पहले प्रीवियस स्टेप्स में हुआ था, कि यहाँ पर क्या होगा 1 2 3, यहाँ पर क्या होगा, अब ये क्या होगा, यहाँ से 1 2 3 और ये 1 2 3, तो ये ग्रुप इधर घूम कर आएगा, तो ये डबल बॉन्ड इधर से अटैक करेगा, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ से बना दो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा क्या होगा, यहाँ पर ये ऐसे है, ठीक है, तो क्या होगा जैसे हीट करेंगे ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, है ना, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा दिखा देते आपको पूरा ही, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, यहाँ पर सी एच थ्री ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर क्या जुड़ गया, एलाइल ग्रुप जुड़ गया, है ना, अब ये रिंग एरोमेटिक नहीं रही, लेकिन यहाँ पर कौन है, एच है तो सही, अगर यहाँ जुड़ता तो यहाँ तो एच था ही नहीं, एरोमेटाइज होने के लिए रिंग को वापस एरोमेटिक भी तो होना है, अगर यहाँ पर जुड़ता, जुड़ भी जाता तो यहाँ पर कोई एच प्लस नहीं था, तो ये एरोमेटाइज तो नहीं हो सकता था, तो अब यहाँ से ये एच प्लस दे देगा और ये अपने बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो हमको हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा इस तरीके से, ये बन जाएगा OH, ये क्या बन गया OH, और इस स्थिति पर कौन जुड़ा हुआ है, एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस तरह से एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH3, ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन ऐसी हो, अब तो दोनों ही खाली ना हो, यहाँ पर भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है, अब बेचारा क्या करेगा, अब तो दोनों जगह पर CH3 ग्रुप लगा हुआ, तो अब क्या करेगा, ये क्या करेगा, फिर इसमें रीअरेंजमेंट कैसे होगा, वैसे ही होगा जैसे होता था, हीट करेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और तो पोजीशन ही तो भरी हुई है, पैरा तो खाली है, पैरा पोजीशन तो खाली है, लेकिन ये डायरेक्ट पैरा पर नहीं जुड़ सकता, डायरेक्ट पैरा पर नहीं जुड़ सकता, यहाँ पर दो बार रीअरेंजमेंट होना पड़ेगा, कितने बार, दो बार रीअरेंजमेंट होना पड़ेगा, पहला रीअरेंजमेंट तो यहाँ होगा 1 2 3 1 2 3, तो ये बॉन्ड आएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ और ये वाला बॉन्ड आ जाएगा इधर, तो पहले तो ये बनेगा आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक तो CH3 लगा हुआ है और एक ये आ गया एलाइल ग्रुप, ठीक है, और बाकी का डबल बॉन्ड सब में कोई छेड़छाड़ नहीं की, एज इट इज है, ये दोनों यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है, अब वापस क्या होना है, रिंग तो एरोमेटिक नहीं रही, अब इसको एरोमेटिक होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो एच है ही नहीं, ये तो CH3 है ना, और ये तो टूट के जाएगा नहीं, है ना, ये अपना बॉन्ड देकर जाएगा नहीं, तो ये भी अरेंजमेंट तो नहीं, यहाँ पर एरोमेटाइजेशन तो नहीं हो सकता, रिंग वापस से एरोमेटिक नहीं हो सकती, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, एक बार फिर से रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, कैसे, जैसे भी क्या था 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, फिर से क्या होगा, यहाँ पर फिर से होगा, यहाँ पर 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, यहाँ पर फिर से क्या होगा, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा, यानी कि ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट कर आएगा यहाँ पर, इस कार्बन पर आएगा और इस कार्बन से अटैक करेगा यहाँ, ये बॉन्ड जाएगा यहाँ और ये वाला बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा हमको, हमको प्राप्त होगा ये, यहाँ पर जुड़ जाएगा एलाइल ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O था और ये वाला बॉन्ड से तो हमने कोई छेड़छाड़ की नहीं, ठीक है, अब ऐसा बन जाएगा, ठीक है, अब तो ये बन गया, अब क्या,
अब तो एरोमेटिक हो सकती है रिंग, क्योंकि इस पोजीशन पर हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं था लेकिन यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, तो हमने रीअरेंजमेंट करके पैरा पर आ गए। कौन सी स्थिति पर आ गए? पैरा पर आ गए, क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं था रिंग को एरोमेटाइज करने के लिए। अब ये रिंग एरोमेटिक हो सकती है, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ, तो यहाँ से निकलेगा एच प्लस, यहाँ बनेगा ओ एच माइनस, तो ये क्या बना लेगा? ये कुछ इस तरीके का बना लेगा, यहाँ पर आ जाएगा ओ एच, ये है सी एच थ्री, सी एच थ्री, और ये रिंग वापस से क्या हो गई हमारी एरोमेटिक, और पैरा पोजिशन पर क्या लगा हुआ है? एलाइल ग्रुप, तो ये पैरा पोजिशन पर क्या आ गया? एलाइल ग्रुप। तो नॉर्मली नहीं बनता है पैरा पोजिशन पर, अगर दोनों ऑर्थो स्थितियां पहले से ही ऑक्यूपाइड हों, किसी ग्रुप से घिरी हुई हों, तो फिर वहां पर क्या बनता है? पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, चलते हैं आगे तीसरे बात इसके बारे में। तीसरा पॉइंट इस रीअरेंजमेंट के बारे में ये है कि ये जो रीअरेंजमेंट होता है यह है अंतः आणविक होता है, अंतः आणविक प्रकृति का होता है, यानी कि ये जो रीअरेंजमेंट है ये कैसा होता है? अंतः आणविक। अंतः आणविक का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है। देखा ना, बेंजीन का ही एलाइल ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप पर जाकर तो नहीं जुड़ा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर तो नहीं जुड़ा, जिस मॉलिक्यूल पर लगा हुआ था उसी मॉलिक्यूल पर रीअरेंजमेंट होकर आया ना, बस पोजीशन चेंज कर ली, पहले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ तो बाद में किससे जुड़ गया? कार्बन से जुड़ गया, है ना। तो ये कैसा होता है? अंतः आणविक होता है। क्या हम इसको प्रूफ कर सकते हैं? हाँ भी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे देख लेते हैं। मान लो हमने ये दो तरह के एलाइल ईथर लिए, ठीक है, दो तरह के एलाइल फिनाइल ईथर लिए, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है, ये लिया एक तो हमने, दूसरा हमने ये लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ से कौन जुड़ा हुआ है? पीएच रिंग, यहाँ पर तो कौन था? कार्बन था, और यहाँ पर कौन जुड़ी हुई है? पीएच रिंग जुड़ी हुई है। कौन है? पीएच रिंग है। अब ये दो तरह के एलाइल ईथर हो गए, है ना। कितने तरह के एलाइल ईथर है हमारे पास? अभी हमारे पास है दो तरह के एलाइल ईथर है। क्या होना चाहिए भाई, कुछ गड़बड़ हो गई? हाँ, ये गड़बड़ हो गई। यहाँ पर कार्बन है, एक तो हाइड्रोजन, और इससे कौन जुड़ा हुआ है? पीएच, फिनाइलिन। फिनाइलिन का मतलब है ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ऐसा है, ठीक है। अरे अब ठीक है, तो ये दो तरह के प्रोडक्ट है ना, दो तरह के हमारे पास एलाइल फिनाइल ईथर है। यहाँ पर जो हमने ऑक्सीजन लिया है वो 16 लिया है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन लिया है वो 18 लिया है। इसको समझते ना, ये क्या किया हमने? आइसोटॉप लेबलिंग की है, आइसोटॉपिक लेबलिंग बोलते हैं इसको। जब हमें पहचान करनी हो कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट कर रहा है या कौन सा ग्रुप माइग्रेट नहीं कर रहा है, तो हम क्या लेते हैं? हमेशा उसके आइसोटॉप लेते हैं। और ऑक्सीजन के आइसोटॉप होते हैं, एक तो होता है जिसका अणुभार 16 है, और एक दूसरा क्या है जिसका अणुभार कितना है? 18 है, है ना। तो ये आइसोटॉप ले लिया हमने, ठीक है। जब हमने रिएक्शन कराई, हीट किया 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमको क्या प्राप्त हुआ? हमको कुछ ऐसा प्राप्त हुआ, यहाँ पर आएगा OH, ठीक है, ऑर्थो स्थिति पर लग जाएगा ये वाला ग्रुप, प्लस ये कौन सा ऑक्सीजन था? 16। ये 18 वाला ऑक्सीजन था OH, और यहाँ पर जुड़ जाएगा कार्बन से जुड़ा हुआ एक पीएच रिंग, ये प्रोडक्ट है ना। इसका मतलब हमको ये प्रोडक्ट प्राप्त हुए, है ना, हमको ये प्रोडक्ट प्राप्त हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो रीअरेंजमेंट है इंटरमोलिकुलर हो रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि ये वाला ग्रुप ऑक्सीजन 16 से जो ग्रुप जुड़ा हुआ था वो यहाँ पर निकलकर यहाँ आ जाए, और इससे 18 से जो ग्रुप जुड़ा हुआ था वो इस पर आ जाए। कैसा हुआ है? ऑक्सीजन ये ग्रुप कौन सा है? ये वही है जो ऑक्सीजन 16 से जुड़ा हुआ है, जो ऑक्सीजन 16 से जुड़ा हुआ है, ये वही ग्रुप है ना।
तो यही माइग्रेट हुआ है, ऐसा नहीं कि दूसरी वाली रिंग का ग्रुप यहाँ आ गया और इसका ग्रुप कहाँ चला गया, दूसरी वाली रिंग पे, ऐसा नहीं हुआ। ऐसे प्रोडक्ट हमको प्राप्त नहीं होते, कई बार एक्सपेरिमेंट करके देखा, एक भी बार क्रॉस प्रोडक्ट प्राप्त हमको नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि ये जो रीअरेंजमेंट है कैसा होता है, अंतःयाणविक होता है। तो ये था आपका क्लेजन रीअरेंजमेंट, जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं जो अब हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन। अब तक तो हम कौन से रिएक्शन पढ़ रहे थे, अब तक तो हम वो रिएक्शन पढ़ रहे थे जो फिनॉल के OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल समूह के कारण होते हैं। अब हम वो रिएक्शन देखेंगे जो फिनॉल की बेंजीन वलय के कारण होते हैं। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिनॉल की बेंजीन वलय के कारण अभिक्रियाएं। कौन कौन सी रिएक्शन होंगी, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल ड्यू टू बेंजीन रिंग, इसमें जो बेंजीन रिंग होती है उसकी वजह से कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। तो जो अभिक्रियाएं बेंजीन वलय की वजह से होती हैं वो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े रखे हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखे हैं, आप पढ़ के आए हो, बेंजीन आपने पढ़ा होगा, एरोमेटिक एरिन्स पढ़ी थी ना, तो एरिन्स में आपने पढ़ा होगा बेंजीन को, है ना। और बेंजीन कैसी होती है हम जानते हैं, बेंजीन रिंग में क्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ये है ना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये रिंग के ऊपर और नीचे एक क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से ये एरोमेटिक होती है। और इन्हीं डबल बॉन्ड की वजह से ये जो रिंग होती है कैसी होती है, न्यूक्लियोफिलिक होती है, न्यूक्लियोफिलिक होती है नेचर में। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है ये किसकी तरह काम करती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देती है, इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है ना, तो ये किसका काम करती है, न्यूक्लियोफाइल का काम करती है। और न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी तो किस पर अटैक करेगी, न्यूक्लियोफाइल किसके साथ रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के साथ, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है, योगात्मक होती है या प्रतिस्थापन होती है। हम जानते हैं नॉर्मल डबल बॉन्ड होता, नॉर्मल डबल बॉन्ड होता तो यहाँ पर तो होती कौन सी, योगात्मक अभिक्रियाएं। जो नॉर्मल डबल बॉन्ड होते हैं वो क्या देते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं। लेकिन बेंजीन तो एरोमेटिक है और एरोमेटिक है इसकी वजह से ये योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं देती, कैसी देती है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देती है। तो ये बेंजीन कैसी रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब बेंजीन में हाइड्रोजन जुड़ा होता ना तो ये हाइड्रोजन को हटा देंगी, इसको प्रतिस्थापित कर देंगी और इसकी जगह पर कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। तो ये बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देती है। तो यहाँ पर भी तो फिनॉल में भी तो कौन है, बेंजीन वाले उपस्थित है और बेंजीन वाले उपस्थित है तो यहाँ पर भी रिएक्शन कैसी होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखते हैं इसका मतलब बेंजीन वलय की वजह से इसके अंदर फिनॉल के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, फिनॉल के अंदर होती है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, कैसे होती है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अभी हमने देखा, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, बेंजीन का मैकेनिज्म भी वही रहेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और देख लेते हैं, ये तो फिनॉल है, बेंजीन तो ठीक है, बेंजीन में तो क्या था, केवल बेंजीन रिंग थी, बेंजीन रिंग थी तो कोई सा भी हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो सकता है, क्योंकि सारे हाइड्रोजन क्या है, एक जैसे है, है ना, सारे हाइड्रोजन क्या है, एक जैसे, तो कोई सा भी हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो सकता है, कहीं पर भी इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। लेकिन ये तो फिनॉल है, ये तो फिनॉल है, यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या यहाँ पर कहीं पर भी प्रतिस्थापन हो सकता है क्या, नहीं, यहाँ पर हर कहीं जगह पर प्रतिस्थापन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, प्लस आर प्रभाव दर्शाता है, जिसकी वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉनों को रिंग में धक्का मारता है। एक तो रिंग पहले से ही न्यूक्लियोफिलिक है ना, और ऊपर से ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और दे रहा है, तो जिससे रिंग क्या हो जाती है, और ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाती है। तो क्या होगा, इस स्थिति पर नेगेटिव चार्ज आता है, एक बार फिर से बना लेते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा OH प्लस। ठीक है, बाकी के बॉन्ड ऐसे हैं, ये बॉन्ड यहाँ मूव किया तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्या बनेगा, ये बनेगा, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ऐसे हैं, यहाँ पर है डबल बॉन्ड OH प्लस, जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव किया तो ये यहाँ पर आ गया इस कार्बन पर, है ना, तो क्या प्राप्त हुआ, ओ
OH प्लस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हम कहने का मतलब क्या, हम दोबारा क्यों बना रहे हैं इनको, हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब है कि ये देखो कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर आ रहा है। नेगेटिव चार्ज यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये वलय की कौन सी स्थितियों पर है? ऑर्थो, दोनों तो ऑर्थो स्थितियों पर है। कहाँ पर है? एक तो दोनों ऑर्थो स्थितियों पर है और कहाँ पर है? पैरा स्थितियों पर। यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है, अब इलेक्ट्रोफाइल तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उन पर तो कोई इलेक्ट्रॉन होती नहीं, उन्हें तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहाँ कहाँ मौजूद है रिंग पर? तो हम देख रहे हैं यहाँ तो इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्थो पोजिशन पर होगा, या तो फिर कहाँ होगा? पैरा पोजिशन पर, है ना। या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजिशन पर होगी, या तो फिर होगी पैरा पोजिशन पर। इसका मतलब है कि जो हमारी फिनॉल है उसमें जो OH ग्रुप है उसके प्लस आर इफेक्ट की वजह से ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब जब हम फिनोल की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो या तो ऑर्थो स्थिति पर बनेगा या तो फिर पैरा स्थिति पर। यानी कि हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिक्सचर मिलेगा, एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और एक पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, समझ में आए? तो जल्दी से नोट कीजिए, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ OH समूह के प्लस R प्रभाव के कारण, प्रभाव के कारण वलय में ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे जिससे हमें ऑर्थो व पैरा प्रतिस्थापित, ऑर्थो व पैरा प्रतिस्थापित क्या प्राप्त होते हैं? ऑर्थो व पैरा प्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त होते हैं, उत्पाद प्राप्त होते हैं। यानी कि जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन रिएक्शंस होंगी वो हमेशा कहाँ होंगी? या तो ऑर्थो पोजीशन पर होंगी या तो फिर पैरा पोजीशन पर। लेकिन इसमें से स्टेबल कौन सा होता है? अब दो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं, दोनों बराबर मात्रा में तो नहीं बन सकते कि 50-50% बन रहे हो, नहीं ना। एक मेजर होगा और एक क्या होगा? माइनर होगा। तो माइनर कौन सा होता है? जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो माइनर होता है, कम मात्रा में बनता है, और जो पैरा प्रोडक्ट है वो क्या सा होता है? मेजर होता है, वो क्या बनता है? ज्यादा मात्रा में बनता है। ये हम जब रिएक्शन शुरू करेंगे तब आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों। ठीक है, तो ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर, पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है, नोट कीजिए। ठीक है, अब हम इसकी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।